फाइनली टाटा कर्व इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है। टाटा कर्व को हमने ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर देखा, उसके बाद भारत मोबिलिटी 2024 में भी टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को शोकेस किया और मल्टीपल टाइम्स हमने इस गाड़ी को टेस्ट होते हुए भी देखा है। लेकिन अब फाइनली इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है। अब लॉन्च के साथ में क्या कुछ ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी, किस प्राइस पॉइंट पे आएगी, क्या इंजन ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हो ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ टाटा कर्व के बारे में। तो हाल फिलहाल टाटा मोटर्स के सोशल मीडिया पेजेस को अगर आप देखोगे तो टाटा कर्व के बहुत सारे वीडियोस टाटा मोटर्स जो है वो रिलीज कर रहा है, जहां पर एक चीज हमें नजर आई कि टाटा कर्व आपको आईसी इंजन्स के साथ में तो देखने को मिलने वाली है, साथ ही टाटा कर्व ईवी अवतार में भी एक ही बार में लॉन्च की जाएगी। यानी कि दोनों ही जो चीज़ें हैं ईवी और आईसी इंजन वो एक साथ कंपनी लॉन्च करने वाली है। ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को इसका ऑफिशियल लॉन्च है। डिज़ाइन की बात करें तो लुक्स एंड डिज़ाइन ऑलरेडी हम काफ़ी बार देख चुके हैं इस गाड़ी को, तो वैसा ही रहने वाला है जैसा कि भारत मोबिलिटी में 2024 के अंदर कंपनी ने शोकेस किया था, जहां पर कनेक्टेड LED DRLs आपको देखने को मिलते हैं। स्प्लिट लाइटिंग सेटअप इसके अंदर ऑफर किया जाएगा, ऑल LED लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो कूपे स्टाइल के साथ में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आ रही है, और इस प्राइस सेगमेंट में जहां पर इस गाड़ी को फिट किया जाएगा वहां पर कोई और कूपे हाल फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलती, इस वजह से लोगों का ध्यान इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो लुक्स एंड डिज़ाइन के अंदर तो गाड़ी काफ़ी अलग नज़र आने वाली है, साथ ही इंटीरियर के अंदर भी आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स इस गाड़ी के साथ में ऑफर किए जाएंगे, जहाँ पर आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मल्टीपल फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और JBL का साउंड सिस्टम कंपनी इसके साथ ऑफर कर सकती है। साथ ही इस गाड़ी में 360 व्यू कैमरा और एडास के फीचर्स भी आपको कंपनी ऑफर करने वाली है। अब ईवी की अगर पहले बात करें तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 450 से 500 किलोमीटर की रेंज, और अगर आईसी इंजन की बात करें तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों के साथ में ही देखने को मिलेगी। इंजन्स हो सकता है टाटा मोटर्स वही इस्तेमाल करें जो कि ऑलरेडी नेक्सॉन के अंदर हमने देखे हैं, जहां पर आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वगैरह अगर बात करें तो नेक्सॉन के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, और वो आप टाटा कर्व से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फीचर्स के अंदर कोई कमी टाटा मोटर्स इसके साथ नहीं रखने वाला है, पैनारोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्ज, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। साथ ही सेफ्टी के अंदर जैसे कि टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो वो चीज़ आपको कर्व के साथ में भी मिलेगी, जहां पर आप 6 एयरबैग्स, एडास, 360 व्यू कैमरा, इस तरह के फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करें कीमत क्या होगी, तो अगर आईसी इंजन की बात करें तो पेट्रोल डीजल के साथ में इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत है वो 10.99 लाख रुपीज़ के आसपास हो सकती है। इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास आपको क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूज़र, हाई राइडर जैसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं, और उनको ये तगड़ा कंपटीशन भी देने वाली है, जिसकी एक खास वजह इसका डिज़ाइन होगा। इसी के साथ ईवी अवतार की अगर बात करें तो ईवी जो है वो नेक्सॉन के ऊपर आएगी। नेक्सॉन का जो ईवी मॉडल है वो लगभग आपको 19.50 लाख रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, और कर्व की शुरुआत वहाँ से हो सकती है, और ये गाड़ी डायरेक्ट राइवल होगी MG ZS EV की, जो कि लगभग 19 लाख रुपीज़ से ही शुरू होती है। तो कर्व की भी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो अंडर 20 लाख रुपीज़ मानी जा रही है। 20 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए के बीच में आपको कर्व ईवी देखने को मिल सकती है। फीचर्स ऑब्वियसली इसके अंदर ज़बरदस्त होंगे, और रेंज वगैरह भी ये आपको अच्छी देगी। बाकी देखते हैं 7 अगस्त को कंपनी इसकी क्या कीमतें रखती है और क्या कुछ खास हमें उस समय बताती है टाटा कर्व और कर्व ईवी के बारे में। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि टाटा कर्व ईवी आपको कैसी लगी, आप कितना इस गाड़ी का वेट कर रहे हो, कमेंट करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।